आपको बताएं कि पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सावात, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और मानसेरा में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। बर्फबारी के बाइस कई इलाकों का जमीनी रास्ता मुनकता हो गया। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वादी सवात के मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया, जिससे सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। दूसरी तरफ सयाहों ने मौसम से लुत्फंदोज होने के लिए वादी सवात में डेरे डाल लिए। आजाद कश्मीर के इलाकों नीलम वैली, मुजफ्फराबाद समेत तमाम इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जहां मुल्क भर से सयाह इन इलाकों का रुख कर रहे हैं, वहीं बर्फबारी के बाइस रास्ते मुनकता होने के नतीजे में अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। अपरदीर और गिरदोनवा में हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जबकि पहाड़ी इलाकों कुमराट, लवारी टॉप, अशीरा दरा के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी भी जारी है। दूसरी तरफ अपरदीर में बर्फबारी के बायस लैंडस्लाइडिंग की वजह से रास्ते बंद हैं। 92 न्यूज पर लोगों को दरपेश मुश्किलात की खबर नशर हुई तो इंतजामिया भी हरकत में आ गई, जिसके बाद बंद रास्ते खोलने का काम शुरू कर दिया गया। मानसेरा के इलाकों नारायण कागान और हट्टी कुंडी में बर्फबारी का सिलसिला 8 रोज से जारी है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। नारायण में 8 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गयी। गिलगित बल्तिस्तान में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अब तक सकरदू शहर में 3 और बालाई इलाकों में 4 से 5 इंच बर्फ पड़ चुकी है। मौसम का दर्जा हरारत -20, जबकि बालाई इलाकों में -25 तक पहुंच गया।